स्वागत है आप सभी का श्री चैतन्य एकेडमी शाजापुर मध्य प्रदेश में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएससी नामेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एल्किन एंड एल्काइन। अभी तक हमने एल्केन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे एल्किन और एल्काइन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम नामेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी लीजिए और स्टार्ट कीजिए। सीखना क्या करेंगे, सीखेंगे आप और हम मिलकर आईयूपीएससी नामेनक्लेचर जितना अच्छा हो सके सीखने की कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, रेडी स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल कर रखे भैया, हम पढ़ने जा रहे हैं एल्किन एंड एल्काइन। एल्किन और क्या पढ़ेंगे, एल्काइन। सबसे पहले एल्किन देखते हैं। एल्किन किसको कहते हैं भैया, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उसे क्या कहते हैं हम, एल्किन, है ना। इनमें इस फैमिली का जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला इस फैमिली का होता है CnH2n। ये n क्या है, इसमें n है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का नंबर, कितने कार्बन है उस कंपाउंड में। ठीक है, n कार्बन का नंबर है, जितने कार्बन उसके डबल क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन होगा मीन्स वो कौन होगा, एल्किन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक, चलो इस फॉर्मूले में फिट करते हैं। अच्छा, इनमें प्राइमरी सफिक्स क्या लगाते हैं एल्किन फैमिली के लिए, आपको सबको पता है प्राइमरी सफिक्स एल्किन के लिए क्या होता है, इन, नाम के पीछे क्या लगाते हैं, रूट वर्ड के इन। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एन इज इक्वल टू क्या रखें, वन। क्या कभी वन रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, दो, इसलिए हम इस फॉर्मूले में क्या पुट नहीं कर पाएंगे, n इक्वल टू वन, क्या पुट करते हैं, n इक्वल टू, टू पुट किया तो कार्बन कितने हो गए, टू, टू का डबल फोर, हाइड्रोजन कितने हो गए, फोर, ये बन गया फार्मूला। एल्किन का फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का होता है, दो कार्बन का। अच्छा, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन है, दो, एक कार्बन दो कार्बन, किस फार्मूले से बनाया, एल्किन के, क्या होता है एल्किन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, दो, फोर वैलेंसी कंप्लीट करो, थ्री फोर, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, वन टू थ्री फोर, वन हाइड्रोजन, टू थ्री फोर, चार हाइड्रोजन और दो कार्बन। ठीक है, यह हो गया फार्मूला। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आपको ये भी सिखाया, ये कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है, दो इसके पास लिख दीजिए, डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन कितना हाइड्रोजन कनेक्ट है, दो लिख दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, यह पार्शियल कंडेंस्ड फार्मूला है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं लिख देता हूं एक बार, मैं बार बार इस बारे में आपसे डिस्कस करता रहता हूं, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर है, और ये पार्शियल, कैसा है, ये पार्शियल कंडेंस, पार्शियल कंडेंस्ड फॉर्मूला, कैसा फार्मूला है, पार्शियल कंडेंस्ड फार्मूला। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, CH2 CH2, जिसमें आपको बॉन्ड भी दिखाई नहीं दे रहे, यह फार्मूला कहलाता है कंडेंस्ड फार्मूला, इसको क्या कहते हैं, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड
फॉर्मूला, क्या कहते हैं इसे, कंडेंस्ड फार्मूला। तो ये हो गया आपका क्या, ओपन स्ट्रक्चर, ये हो गया पार्शियल कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ये हो गया कंडेंस्ड, और ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक। अच्छा, नामेनक्लेचर करना है, कितने कार्बन है, दो, कितने हैं, दो, दो के लिए रूट वर्ड किया इथ, है ना, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो नाम के पीछे क्या लगाएंगे, इन। ये हो गया इसका क्या, IUPAC नामेनक्लेचर। क्लियर, नोट करो। ठीक, ऐसे एल्किन का एक और एग्जांपल आप चाहो तो मैं ले सकता हूं, ले लेते हैं यहीं पर, एग्जांपल नंबर टू, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं एन इक्वल टू क्या पुट कर दें, थ्री, फॉर्मूले में थ्री पुट कीजिए, कार्बन कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे, टू थ्री जा सिक्स, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, सिक्स, है ना। एल्किन फैमिली के फार्मूले से बनाए, कितने कार्बन होंगे, तीन, वन टू थ्री, सिंगल बॉन्ड तो हो गई सही, कहीं पे भी क्या लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, एक ही बात है, वैलेंसी कंप्लीट करो, सेटिस्फाई करो, कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक दो तीन चार, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, सबको एक एक हाइड्रोजन दीजिए, CH2 H, ये हो गया ओपन स्ट्रक्चर। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, C से कितना हाइड्रोजन कनेक्ट है, दो, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, कितने कार्बन है, तीन, नंबरिंग डबल बॉन्ड की पोजीशन से करेंगे, वन टू थ्री, है ना, तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आपका, प्रोब, और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन। क्लियर, समझ में आई मेरी बात, कोई समस्या नहीं है, ये इसका IUPAC नेम हो गया। इस तरह से हम एल्किन के ढेरों एग्जांपल अभी देखेंगे, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, है ना, एल्काइन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, नोट कीजिए, देखते हैं एल्काइन क्या देखने जा रहे हैं हम, एल्काइन किसको कहते हैं भैया, एल्काइन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड, उसे क्या कहते हैं, एल्काइन। इनमें वन डिग्री सफिक्स क्या होता है, जो रूट वर्ड के बाद लगाया जाता है वो होता है आइन। इस फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। नहीं, इस पे समझना, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, n, उसके डबल कर दीजिए हाइड्रोजन, और उसमें से दो क्या कर दीजिए, कम, मतलब जितने कार्बन हो उसके डबल से दो कम क्या हो जाए, हाइड्रोजन, तो उसे हम एल्काइन कहते हैं, है ना। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर पहला, n इक्वल टू क्या पुट करें, क्या वन पुट कर पाएंगे, नहीं, क्यों, कार्बन और कार्बन के बीच क्या चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, दो, तो हम n इक्वल टू वन नहीं रख सकते, हम क्या रखेंगे, टू, मतलब एल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर भी कितने कार्बन से स्टार्ट होगा, टू कार्बन से, तो टू पुट कीजिए फार्मूले में, तो कार्बन कितने हो गए, दो, टू टू जा फोर, फोर में से टू माइनस किया कितने बचे, टू, C2H2, ये फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चर बना लो, कितने कार्बन है, दो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड आएगा क्योंकि एल्काइन फैमिली के फार्मूले से बना है, वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, सब दोनों को एक एक हाइड्रोजन दीजिए, है ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया आपका, इथ, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो नाम के पीछे क्या लगाएंगे, आइन, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइन, ये इसका IUPAC नेम है। अच्छा, कुछ IUPAC नामेनक्लेचर में कुछ कंपाउंड के स्पेशल नेम होंगे, कॉमन नेम, वो मैं लिखता जाऊंगा, उन पे मैं स्टार भी लगाऊंगा, आप उनकी अलग से लिस्ट जरूर बनाइएगा। इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम है एसिटिलीन, क्या है, एसिटिलीन, एसिटाइलीन भी बोलते हैं, जन सही प्रोनाउंसिएशन है इसका, एसिटिलीन, ठीक, वेल्डिंग पर्पस यूज होती है, और आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को आर्टिफिशियल पकाने के लिए भी कौन सी गैस यूज होती है, एसिटिलीन, नोट कीजिए सभी जल्दी से।
बढ़ते हैं प्रैक्टिस पर, है ना। ठीक है, करें स्टार्ट, करें। देखो एल्किन और एल्काइन का नामेनक्लेचर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो रूल वही है नामेनक्लेचर के, सिलेक्ट आवर लॉन्गेस्ट चेन, बट हम ऐसी एल्किन और एल्काइन में ऐसी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए, वो मेन चेन होगी हमारी। ठीक है, नंबरिंग आपको पता है वहीं से करना है जहां से सब्स्टिट्यूएंट या डबल या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट हो। क्लियर, बड़े लिख दूं क्या आपको रूल्स, याद रहेंगे, बढ़ते हैं प्रैक्टिस से याद रहते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट, CH3CS डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मैं हाइड्रोजन गायब कर दूं तो ऐसा लिख सकता हूं, कार्बन गायब कर दूं तो ऐसा लिख सकता हूं। समझ में आ रही है ना आपको बातें, क्लियर है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। नंबरिंग करना है उधर से करो जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े, नंबरिंग करते हैं 1 2। इधर से करता तो 1 2 3 4। अब डबल बॉन्ड 2 पर है कि 3 पर है ना, तो ध्यान रखना जिन दो नंबर के बीच में डबल बॉन्ड आता है, 2 और 3 के बीच में आए ना, तो लोवेस्ट नंबर मिनिमम नंबर जो रहता है उसी पर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को मानते हैं। क्लियर, तब हम इसका आईयूपीएसी नामेनक्लेचर लिखेंगे। कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या इसमें, नहीं है, तो रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट, लिख दिया सर। उसके बाद क्या लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स एन इन आई है, डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर, तो ब्यूट हाइपन 2, फिर हाइपन क्या है 2 पर इन, तो ब्यूट 2 इन, यह हो गया इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम। क्लियर, लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अब इसमें कार्बन नहीं दिख रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं दिख रहे, आपको मैंने पिछले लेक्चर में सब सिखाया था, अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत, बड़े स्टार्ट करें। सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5, 5 कार्बन की चेन मिल रही है। अब नंबरिंग इधर से करें कि इधर से करें, तो यहां पर नोट डाल देना, जो मैं नोट डालता हूं जनरली वो रूल के अकॉर्डिंग ही होते हैं, वो रूल ही होते हैं, आप नोट हमेशा याद रखें। क्या कि हम प्रायोरिटी, देखो इधर से स्टार्ट करते हैं तो सेकंड कार्बन पे क्या आता है, डबल बॉन्ड, और इधर से स्टार्ट करते हैं तो सेकंड कार्बन पे क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा, CH3। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें कि सब्स्टिट्यूएंट को, किधर से करें नंबरिंग, तब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, डबल बॉन्ड को, है ना, फिर किसको प्रायोरिटी दी जाती है, ट्रिपल बॉन्ड को, और फाइनली लास्ट में प्रायोरिटी दी जाती है सब्स्टिट्यूएंट को, प्रतिस्थापी को सबसे लास्ट में दी जाती है प्रायोरिटी। तो हमारे लिए प्रायोरिटी किधर से हो गई, डबल बॉन्ड की तरफ से, हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। कोई समस्या, करें, करते हैं 1 2 3 4 5, कितने कार्बन की मेन चेन, 5 कार्बन की, क्या कुछ छूट गया इस मेन चेन में, छूट गया सर, मिथाइल कौन से कार्बन पे छूटा, 4, तो प्रीफिक्स क्या हो गया, 4 पे क्या है, मिथाइल, 4 मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन है, रूट वर्ड हो गया 5 कार्बन के लिए क्या, पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, मतलब हम किस पर मानेंगे, 2 पर, तो पेंट 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड, ये हो गया इसका एग्जैक्ट सही आईयूपीएसी नेम। नोट कीजिए, क्लियर, नोट हमेशा याद रखना, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, या फिर फंक्शनल ग्रुप ना हो तो उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े, नहीं तो फिर किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को, और फाइनली लास्ट में प्रायोरिटी किसकी आती है, सब्स्टिट्यूएंट की। नोट कीजिए, बढ़े आगे,
नेक्स्ट एग्जांपल करें, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वन इधर से स्टार्ट करो तो वन, पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है, किधर से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। वन टू थ्री और ये फोर, ठीक है, ओके। कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है, तो रूट वर्ड चार कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूट, है ना। अच्छा, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है क्या, याद रखिएगा मैं जो कह रहा हूं, यदि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तो ब्यूट पेंट हेक्स के बाद क्या लगा देते हैं, ए, क्या लगा देते हैं, ए, अलग कलर से लिख देता हूं मैं आपको, क्या लगा देते हैं अलग से, ए। अगर डबल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा हो तो ब्यूट पेंट हेक्स के बाद क्या लगाते हैं, ए। तो ब्यूटा कहां कहां पर है, वन पे और थ्री पर, तो ब्यूटा के बाद हाइपन, फिर वन कामा थ्री फिर हाइपन, कितने डबल बॉन्ड है, दो, एक जैसे ही है, एक जैसे दो के लिए क्या लिखते हैं, डाई, क्या है, इन, ब्यूटा वन थ्री डाई, नोट डाल लेना, क्या क्या डबल बॉन्ड यदि एक दो से अधिक हो, कितने अधिक हो, दो से अधिक हो, कितने हो, दो से अधिक, तब रूट वर्ड या वर्ड रूट में क्या ऐड कर देते हैं, स्मॉल ए जोड़ देते हैं या ऐड कर देते हैं, क्लियर, याद रहेगी बात। डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तो क्या लगा देते हैं रूट वर्ड में, ए, ब्यूटा वन थ्री डाई, नोट कर लेना, ये जो भी नोट मैं लिखता हूं मतलब मेरे ख्याल से रूल ही है वो, है ना, और आईयूपीएसी नामकरण में ढेर सारे रूल्स हैं, ठीक है, नोट कीजिए, अगले का नामकरण कीजिए। बनाया इसका नाम इंक्लेसर किया आपने, थोड़ा सा काल आ गया था, देखिए इधर किधर से, अरे पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड, पहले ही कार्बन पर क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, टाई हो रहा है। अब प्रायोरिटी किसकी, डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की, तभी मैंने बताया था आपको, नोट लिखवाया था, फिर से नोट लिख लो आप, क्या था नोट, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, उसके बाद डबल को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर किसको प्रायोरिटी दी जाती है, सब्स्टिट्यूएंट को। बताओ पहले ही नंबर पर क्या हो जाए, टाई हो जाए, टाई हो जाए, तब हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल को, किससे पहले, ट्रिपल बॉन्ड से पहले, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे, वन टू थ्री और ये फोर, क्लियर क्लियर क्लियर। मेन चेन में कितने कार्बन भैया, चार, क्या लिखूंगा, ब्यूट लिख दिया सर। अब क्या करें, डबल बॉन्ड है वन और टू पर, मतलब किस पर है, वन पर, ट्रिपल बॉन्ड है थ्री और फोर पर, मतलब किस पर है, थ्री पर, तो डबल बॉन्ड में क्या आता है, इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, आयन, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ई, तो पहले क्या लिखेंगे, इन, तो ब्यूट किस कार्बन पे है, वन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो हमने क्या लिख दिया, इन, फिर थ्री पे क्या है, थ्री पे क्या है, आइन, तो हम थ्री पे क्या लिख देंगे, आइन। अब यहां पर एक नोट फिर डाल दो आप, क्या कि अगर अगर प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या, ए कामा ई कामा वाई कामा ओ कामा यू, अगर प्राइमरी सफिक्स ये है, इनके आगे अगर इन अल्फाबेट के आगे इनमें से कोई और प्राइमरी सफिक्स आ जाए, जैसे ई आ गया, ई के बाद क्या आ रहा है, ए, तो आगे वाला
मतलब पहले वाला ई हम यहां से क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे क्या, ई एन ई में लास्ट में क्या आ रहा है, ई, ई के बाद क्या आया, वाई, है ना, वाई के पहले क्या आया है, ई, तो मैं ई, वाई के पहले क्या आ गया, ई, तो मैं ई को यहां से क्या कर दूंगा, ड्रॉप। तो इसका सही नेम क्या हो जाए, ब्यूट वन इन थ्री आइन, ई नहीं लिखना है यहां पर, ए ई वाई ओ यू के आगे इनमें से कोई और लेटर आ जाता है तो पहले वाला लेटर ड्रॉप कर दिया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा, लिख दी मैंने काम की बात, नोट करके नोट कीजिए, करें स्टार्ट। नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल, किधर से नंबरिंग करें, यहां पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, तो सेकंड कार्बन पे आ रहा है, किधर से करें नंबरिंग, इधर से के इधर से, टाई थोड़ी हो रहा है यहां पर, अरे डबल बॉन्ड भी पहले कार्बन पे होता, पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होता तब हम क्या देखते, प्रायोरिटी, फिर हम किसको प्रायोरिटी देते, डबल बॉन्ड को। पर यहां पर मुझे बताइए क्या टाई हो रहा है, नहीं, तो पहले कार्बन पे हमें क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप पहले मिले। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांच, कितने कार्बन के चेन मिले, पांच। तो रूट वर्ड क्या हो गया पांच कार्बन के लिए, पेंट, है ना, वन और टू पर ट्रिपल बॉन्ड, वन पर, थ्री और फोर पर, मतलब किस पे, थ्री पर, तो थ्री पे क्या है, इन, और वन पे क्या है, आइन, और भाई के पहले ई आया तो मैं ई को क्या कर दूंगा, ड्रॉप। क्लियर, समझ में आई, तो पेंट थ्री इन वन आइन, इसका करेक्ट क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब फिर से टाई हो रहा है, इधर भी पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड, इधर भी पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, टाई हो गया। अब क्या देखें, इधर से नंबरिंग करें तो वन टू थ्री, थ्री पे क्या मिलेगा, नेक्स्ट पे डबल बॉन्ड, इधर से करोगे तो वन टू थ्री, थ्री पे क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा ना, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड भी क्या मिल रहा है, सेम कार्बन पोजीशन पे मिल रहा है, इधर से भी करते हैं तो थ्री पे मिलता, इधर से करते हैं तब भी थ्री पर, है ना। अब प्रायोरिटी वही रहेगी, डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, यही है डबल बॉन्ड, पहले कार्बन पर, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, कितने कार्बन की चेन, छह, क्या लिखूंगा, हेक्स, जिसके वन पर और थ्री पर दो डबल बॉन्ड है, एक वन पे और एक थ्री पे, तो वन कामा थ्री, दो एक जैसे हैं तो क्या लिखूंगा, डाई, फिर क्या लिखूंगा, इन, पर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तो रूट वर्ड में क्या ऐड कर देते हैं, हेक्सा, ए लगा देते हैं, तो हेक्सा वन थ्री, हेक्सा के बाद भी हाइफन आएगा, हेक्सा वन थ्री डाई इन, और वन सिक्स पे क्या है, आइन, सिक्स पे क्या है, आइन, बताओ भाई के पहले क्या आया, ई, तो यहां से ई को आप क्या कर देना, ड्रॉप कर देना, ये हो गया इसका एग्जैक्ट सही आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, नोट कीजिए। नेक्स्ट करते हैं, करें किधर से करें नंबरिंग, वन टू सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे हैं यहां पर, और इधर पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर से करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फाइव कोई से भी ले लो, अब फोर पे जो छूट गया वो कौन है, एक कार्बन वाला सी एस थ्री, ये छूट गया, ये भी क्या है, एक कार्बन वाला सी एस थ्री मिथाइल ग्रुप, है ना, पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट नॉमेनक्लेचर में पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, क्या लिखेंगे, फोर पे कितने हैं, दो, तो फोर फोर एक जैसे कितने हैं, दो, डाई मिथाइल, फोर फोर डाई मिथाइल, मेन चेन वर्ड रूट कितने कार्बन की है, पांच, क्या लिखेंगे, पेंट, जिसके पहले कार्बन पर क्या है, इन, अब डबल बॉन्ड एक ही है ना, तो रूट वर्ड के बाद ए नहीं लगाएंगे, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो रूट वर्ड के बाद क्या लगाते हैं, ए। क्लियर, नोट कीजिए, चले नेक्स्ट एग्जांपल पर, ठीक है, यहां देखिए कहां से करें नंबरिंग,
रूल क्या है, सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम मल्टीपल ट्रिपल और डबल बॉन्ड। करते हैं 1 2 3 4 5, पांच कार्बन की चेन है, दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, 1 1 2 3 4 5 6। भले ही ये 6 कार्बन की चेन आपको मिल रही है, दिख रही है आपको, पर इसमें ये डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा है। यहां पर लॉन्गेस्ट चेन का रूल ब्रेक होता है, हम वो चेन लेते हैं जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए, भले ही मेन चेन ज्यादा कार्बन की हो। देख लो 1 2 3 4 5 6 मिल रही ना, पर हम नहीं लेंगे, हम कौन सी लेंगे, ये वाली चेन 1 2 3 4 5। अच्छा यहां पर एक और काम की बात, नंबरिंग इधर से करें या इधर से, क्या दोनों डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आ रहे हैं? यस सर, टाई हो गया। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट पे बारी आ गई, जब डबल बॉन्ड पर टाई हो जाता है तो हम कहां आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट पर। टू इधर से आऊंगा तो टू पर सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट भी टू पे आ रहे हैं, तब हम सब्स्टिट्यूएंट का क्या देखेंगे, तब हम सब्स्टिट्यूएंट का देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये कौन है, CH3, और ये कौन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ये है इथाइल और ये है मिथाइल। अब हम सब्स्टिट्यूएंट का क्या देखेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट, ये M से स्टार्ट होता है और ये E से। तब नंबरिंग इधर से ना करते, हम किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से, जब डबल बॉन्ड पर टाई हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट पे टाई हो जाए, तो हम सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर चलेंगे। तब नंबरिंग हम किधर से करेंगे, उस तरफ से, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन की चेन, 5 कार्बन की, 4 और 2, 2 पे क्या है, इथाइल, इथाइल पहले लिखेंगे, 2 इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंट, ठीक है, और डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है क्या, यस सर, तो पेंटा। कौन कौन सी पोजीशन पर है, एक 4 पर है और एक 1 पर है, तो क्या लिखूंगा, पेंटा 1 4 डाई इन। क्लियर, क्लियर, समझ में आया, नोट कीजिए। जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तब रूट वर्ड में क्या ऐड कर दिया जाता है, ए, है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां आते हैं, वही एग्जांपल लिख दिया क्या मैंने यहां पर, हाँ सर वही लिख दिया, है ना, बढ़े आगे, इसको हटाते हैं यहां से, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, इधर से करें नंबरिंग 1, अरे पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड यहीं से करो सर, कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7, है ना, ये सेकेंड कार्बन पे जो छूट गया ये कौन है, CH3 मिथाइल, 4 पे भी छूटा ये भी कौन है, मिथाइल, 6 पे छूटा ये भी कौन है, मिथाइल, तो प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, 2 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है, 6 पर मिथाइल है, तीनों एक जैसे हैं, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, रूट वर्ड कितने कार्बन की चेन है, 7, तो क्या लिखूंगा, हेप्ट, और क्या डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, हेप्टा। कौन कौन सी पोजीशन पर है, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, है ना, तो 1 3 5 हेप्टा 1 3 5 ट्राई क्या इन, ये हो गया इसका एग्जैक्ट सही IUPAC नेम, नोट कीजिए, नेक्स्ट कर लेंगे, आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए, IUPAC नामेनक्लेचर से डरिए नहीं, करते जाइए, होते चले जाएंगे, मैं करवा दूं, एक बार आप लिखिए, एक बार खुद करके देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, है ना, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कहीं से भी चले, कितने कार्बन की चेन मिलेगी, 5, हमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड
मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड की लॉन्गेस्ट चेन लेना है, पांच कार्बन की है, तो हम ये चेन ले लेते हैं वन, कौन सी लेते हैं ये वाली, वन टू थ्री फोर फाइव, कितने कार्बन की चेन मिली, पांच मिली। क्या थर्ड कार्बन पे छूट गया है, कौन है, सब्स्टिट्यूएंट, पहचानते हो कौन है ये, देखिए ना इधर सिंगल बॉन्ड, यहां कौन है सी, ये कार्बन एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, और ये डबल बॉन्ड यहां कार्बन है दो बॉन्ड बना रहा है, मतलब इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ेंगे, दो सी एच टू, क्लियर है, देखना इधर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, दो कार्बन है इथ, डबल बॉन्ड है इन, ये इथिन है क्या, यस सर, अगर इथिन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ये बनेगा क्या, है ना, आपने मिथेन से सी एच फोर से एक हाइड्रोजन रिमूव किया था तो सिंगल बॉन्ड क्या बना था सी एच थ्री, ये कौन था, मिथेन था, मिथेन से हाइड्रोजन जाने पर आपने क्या बनाया था, एल्काइल ग्रुप मिथाइल, मतलब ए एन ई हटा के क्या लगाया था, वाई एल। इसी प्रकार इथिन से एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बनेगा, दो कार्बन है इथ, ई एन ई हटा के क्या लगा दू, सॉरी ई हटा दूंगा, ई एन इथिन और ई हटा कर क्या लगाऊंगा, वाई एल, क्या है ये, इथिनाइल, क्या है, इथिनाइल, ध्यान से देखना ये मेन चेन है, कौन सी चेन है, मेन चेन, मेन चेन से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड और फिर आया है क्या, डबल बॉन्ड, अगर मेन चेन से सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आता है तो नाम क्या आ गया, इथिनाइल, दो कार्बन के लिए इथिनाइल, तीन कार्बन होते सिंगल बॉन्ड के बाद कितने कार्बन होते हैं, तीन, डबल बॉन्ड के साथ तो प्रोपिनाइल, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथिनाइल, कौन से कार्बन पर है, थर्ड कार्बन पे, तो मैं इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखूंगा, थ्री पे क्या लिखूंगा, दो कार्बन है इथ, डबल बॉन्ड है इन और ई हटाकर क्या लगा दूंगा, आइल, इथिनाइल, पांच कार्बन के चेन है क्या लिखूंगा, पेंट, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है क्या लगाऊंगा, ए, वन पर डबल बॉन्ड और फोर फाइव मतलब फोर पर है तो वन कामा फोर, क्या डबल बॉन्ड दो एक जैसे हैं तो डाई क्या लिखेंगे, इन, ये हो गया इसका एग्जैक्ट सही आईयूपीएसी नेम, नोट कीजिए, थ्री इथिनाइल पेंटा वन फोर डाई इन, ठीक है, मेन चेन से सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड है ना, क्लियर, समझ में आ रही है, बढ़े आगे, मेन चेन से सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड है तो दो कार्बन है तो क्या लिखूंगा, इथ, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, ई एन ई और ई हटाकर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगा दूंगा, वाई एल, सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगा देंगे, वाई एल, ई हटा के क्या लगा दिया, वाई एल, जैसे मिथेन से क्या बना मिथाइल, ऐसे इथिन से क्या बना इथिनाइल, क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल, मैक्सिमम डबल बॉन्ड इंक्लूड करना है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर ये लेते हैं, वन वन टू थ्री फोर फाइव, कितने कार्बन की चेन, पांच, क्या ये मेन चेन है, हाँ सर, ये क्या है हमारी मेन चेन, और मेन चेन से डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड नहीं है, मेन चेन से डायरेक्ट क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, अच्छा मेन चेन से डायरेक्ट यहां कार्बन है, कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है तो इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ेंगे, दो, समझ में आ गई, मेन चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड है तब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम मिथाइलिन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल्काइलिडिन, एल्काइलिडिन के पैटर्न पे लिखेंगे, अगर एक कार्बन है तो मैं क्या लिखूंगा, अगर एक कार्बन है तो क्या लिखूंगा, डबल बॉन्ड के साथ, एक कार्बन है ना डबल बॉन्ड के साथ, किसके, मेन चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन हो तो हम क्या लिखेंगे, मिथाइलिडिन,
क्या लिखेंगे, अगर मेन चेन से, अगर मेन चेन से, मेन चेन से डबल बॉन्ड होता और कितने कार्बन होते, दो, बोलो यहां पे एक कार्बन है और यहां पे एक कार्बन CH3 और CH, क्या मेन चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, दो कार्बन है तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, इथाइलीडीन, क्या लिखूंगा, इथाइलीडीन, एल्काइलीडीन के पैटर्न पर नामकरण करेंगे, इनका सब्स्टिट्यूएंट का, जब मेन चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड हो, मेन चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन का हो तो हम नाम किस पैटर्न पर लिखेंगे, एल्काइलीडीन, कैसे लिखेंगे, एल्काइलीडीन, यहां पर मेन चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, समझ में आ रही, यहां पर मेन चेन से डायरेक्ट क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो हम नामकरण कैसे करेंगे, एल्काइलीडीन के पैटर्न पर, समझ में आई क्या ये बात, क्या नहीं आई, पक्का, तो ये आपके लिए क्या है, बड़े काम की बात है, तो बॉक्स बंद कर देते हैं, करते हैं नामकरण, किसका, इसका, कितने कार्बन, पांच, तो क्या लिखूंगा, पेंट, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, ए वन पर है और कहां पर है, फोर पर, तो वन कामा फोर, एक जैसे दो हैं तो डाई क्या, इन, वन फोर डाई इन, क्लियर, पेंटा वन फोर डाई इन, अरे सर सब्स्टिट्यूएंट का तो नाम ही नहीं लिखा, लिखना पड़ेगा ना, थ्री पर कौन है, मिथाइलीडीन, मिथाइलीडीन क्या है, मिथाइलीडीन, तो थ्री मिथाइलीडीन पेंटा वन फोर डाइन, ठीक है, पढ़ते रहिए, डरना नहीं है, याद रखिए मेन चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड हो, कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका नामकरण एल्काइलीडीन के पैटर्न पर करते हैं, किस पैटर्न पर करते हैं, एल्काइलीडीन, इधर आइए, सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम डबल और ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यही चेन लेना पड़ेगी, 1 2 3 4, इधर से करता तो 1 2 3 4 पे ही मिलता मुझे सब्स्टिट्यूएंट, 5 6 और ये 7, ये छूट गया, ये क्या है, 4 पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये CH2, तीन बॉन्ड बना रहा है कार्बन H, है ना, कौन से कार्बन पर है, फोर्थ कार्बन पर, कितने कार्बन है, दो, क्या लिखूंगा, इथ, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, इन, और सब्स्टिट्यूएंट है तो ये ई यहां से हटाकर क्या लगा दूंगा, वाई एल, इथिनाइल, मेन चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड नहीं है, फोर इथिनाइल, मेन चेन में कितने कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, प्रीफिक्स का नाम लिख दिया, मेन चेन में 7 कार्बन तो क्या लिखेंगे, हेप्ट, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा, हेप्टा, वन पर डबल बॉन्ड है और 6 पर, हेप्टा 1 6, एक जैसे हैं तो डाई इन, एक जैसे दो है तो डाई, क्लियर, नोट कीजिए, इसका नाम इनक्लेचर हो गया एग्जैक्ट सही, ठीक है, पढ़ते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो, आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे तो आपके डिस्क्रिप्शन में जो मैंने पढ़ाया है इसका PDF डाल दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, साथ ही आप पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, एप्लीकेशन है SCA साजापुर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लेकर उसमें पढ़ना स्टार्ट कीजिए, है ना, बढ़ते हैं आगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, प्रवीण सर पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स एंड मैथ्स, और विजय सर पढ़ाते हैं 9th और 10th, इंग्लिश मीडियम भी एंड हिंदी मीडियम भी, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, क्या करें, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन ले, ट्रिपल और डबल बॉन्ड की, 5 कार्बन की चेन ले कि डबल बॉन्ड की, प्रायोरिटी डबल की, मैक्सिमम डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाना चाहिए, अगर 5 आइडेंटिकल है, इधर से भी 5, 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 तो हम कौन सी चेन लेंगे जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड आ जाए, 1 2 3 4
फाइव। बताओ ये सब्स्टिट्यूएंट है क्या, क्या है ये सी एच ट्रिपल बोन सी, थ्री पर है तो क्या लिखूं, मेन चेन से डायरेक्ट डबल बोन नहीं है, थ्री कितने कार्बन है दो, क्या लिखूंगा इथ, ट्रिपल बोन है तो क्या लिखूंगा आइन, पर इथाइन का ई हटाऊंगा, क्यों हटाऊंगा ई, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं क्या लिखा दूंगा वाई एल, इथाई नाइल, क्या लिखेंगे इसका नाम इथाई नाइल, अगर तीन कार्बन होता ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो प्रोपाई नाइल हो जाता, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन है पांच, क्या लिखेंगे पेंट, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है पेंटा, वन पर है और फोर पर है तो वन कामा फोर, क्या लिखेंगे डाई इन, ये हो गया इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम, नोट कीजिए, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास, आप खुद से भी कर सकते हैं, कीजिए। चलो मैं करता हूं, क्या भैया मैक्सिमम डबल बॉन्ड मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड और लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन कार्बन की चेन मिल रही, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन की ही मिली, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो गया पर सेवन की ही मिली, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन नाइन, हमें लॉन्गेस्ट चेन लेना है इंक्लूडिंग मैक्सिमम डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो हम यहीं से स्टार्ट करें। अच्छा इधर भी फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, तब किधर से स्टार्ट करें, तब सब्स्टिट्यूएंट बताएगा वन टू थ्री फोर फाइव, और इधर से वन टू थ्री फोर फाइव, दोनों तरफ से कौन से कार्बन पे मिल रहा है, फिफ्थ कार्बन पर वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, किधर से भी कर सकते हो नंबरिंग, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितने कार्बन की चेन मिल गई नाइन कार्बन की, फिफ्थ कार्बन पे जो छूट गया वो सब्स्टिट्यूएंट है, क्या मेन चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड आ गया, है ना एल्काइलिडिन, कितने कार्बन है एक दो, ये क्या है सी एच थ्री, और ये क्या है तीन बॉन्ड बना रहा है ना तो एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है दो कार्बन वाला मेन चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड से क्या है दो कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले इसका ही नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे फाइव, फाइव पे क्या है दो कार्बन इथाई लिडिन, क्या लिखेंगे इथाइली डिन, अब क्या लिखेंगे मेन चेन का नाम, कितने हैं रूट वर्ड में नाइन कार्बन तो क्या लिखेंगे रूट वर्ड नॉन, क्या लिखेंगे नॉन लिखेंगे, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो क्या हो गया नोना, वन पर ट्रिपल बॉन्ड और किस पर है एट पर, तो वन कामा एट, कितने ट्रिपल बॉन्ड दो डाई आई, क्लियर क्लियर, नोट कीजिए, ठीक है पढ़ते रहिए सीखते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे, बढ़े आगे, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, उधर से जाने पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन कार्बन की चेन मिल रही ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहे, और इधर से करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन कार्बन और मैक्सिमम डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहे, यही लेते हैं है ना, नंबरिंग करें यहां से करें यहां से करें, डबल बॉन्ड पहले ही कार्बन पर यहीं से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कौन छूट गया ये और ये सब्स्टिट्यूएंट, ये कौन है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू इथाइल, क्या है ये इथाइल, इधर देखिए ये क्या है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच,
है ना। तो ये क्या है भैया, इथाइनाइल, ये क्या है, दो कार्बन है तो क्या लिखूंगा, इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ई हटा के सब्स्टिट्यूट है तो क्या लगा दूंगा, आइल, इथाइनाइल। ठीक है भैया, करें। अब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखोगे, इसका भी फर्स्ट अल्फाबेट किससे स्टार्ट होता है, ई से, ये भी किससे स्टार्ट होता है, ई से, कौन सा करें, सेकंड लेटर देखो, टी, इसमें भी टी, एच, एच, वाई, वाई, इसमें क्या आ रहा है, एन, और इसमें क्या आ रहा है, एल, और अल्फाबेट में एन पहले आता है कि एल, एल पहले आता है, यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोर इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, फाइव फाइव इथिनाइल, इथाइन भाई एल, इथिनाइल, मेन चेन कितने कार्बन की है, नाइन, क्या लिखूंगा, नॉन, क्या डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, ए, तो ए लगा देंगे, ठीक, वन पर सेवन और एट पर, मतलब किस पर है, सेवन पर, तो वन कामा सेवन, डाई क्या लिखेंगे, इन, क्लियर, नोट कीजिए, ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम, ठीक है, नोना 17 डाई इन, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, हमें वो चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, भले वो चेन छोटी रहे, देखो 1 2 3 4 5, दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाएंगे पर पांच कार्बन की रहेगी, इधर से करें कि इधर से आइडेंटिकल है, इधर भी इस कार्बन से भी दो कार्बन जुड़े और इस कार्बन से भी कितने कार्बन जुड़े हैं, तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, वन वन टू थ्री फोर फाइव, हो गया, ये सेकंड कार्बन पे छूट गया, ये कौन है भैया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 इथाइल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है, इथाइल, तो टू पे इथाइल कामा फोर पे इथाइल, दोनों एक जैसे हैं, डाई इथाइल, टू फोर डाई इथाइल, ठीक, मेन चेन में कितने कार्बन है, पांच, क्या लिखूंगा, पेंट, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, ए लगाएंगे, कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड, वन पे है और फोर पे, वन पे है, फोर और फाइव में किस में, फोर पर, वन फोर, क्या लिखूंगा, डाई इन, वन फोर डाई इन, नोट कीजिए, मजे आ रहे हैं आपको नामेंक्लेचर करने में, है ना, करते रहिए, अगर कोई कमी दिखे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट नामेंक्लेचर देखते हैं, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन की चेन, दो डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, छह कार्बन भी है, डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहा है, ट्रिपल भी, हमारा काम क्या है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन भी लेना है और ज्यादा से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए वो लेना है, तो ये चेन हम इंक्लूड करेंगे, अब इधर से ही करेंगे स्टार्ट, कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े, पहले कार्बन पे 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया, 6, कौन छूट गया भैया, ये छूट गया है, मेन चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड नहीं है, कौन है ये, CH डबल बॉन्ड CH2, 3 पर दो कार्बन, दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथ, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, इन, और सब्स्टिट्यूएंट है तो ई हटा के क्या लगाऊंगा, वाई एल, इथिनाइल, क्या लिखेंगे, इथिनाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 6, क्या लिखेंगे, हेक्स, डबल बॉन्ड इन, ई से स्टार्ट होता है ट्रिपल बॉन्ड, आइन, वाई से स्टार्ट होता है, ई पहले आएगा, 1 और 2 के बीच में है, तो हेक्स 1 पर क्या है, इन, है ना, एक जैसे दो होते हैं, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तो रूट वर्ड के बाद में ए लगाते हैं, अब है ही नहीं एक से ज्यादा, तो 1 इन, फिर क्या लिखेंगे, 4 और 5 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 पर क्या है, आइन, 4
आइन, अभी भी एक गलती है इसमें। हाँ, वाई के पहले ई आया, ई हटा देंगे, यही इसका क्या होगा, सही आईयूपीएसी नेम। क्लियर? नेक्स्ट, बहुत सुंदर एग्जांपल है, करें, है ना? एक मिनट दे रहा हूं, जल्दी से करें। क्या कह रहा? कर लिया इसका नाम इनक्लेचर, करें इसका नाम इनक्लेचर। रूल्स क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, यही लेते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम हमें क्या मिल जाएंगे, डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 कार्बन। अब 3 कार्बन पर, इस कार्बन से ये छूट गया सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, क्या है भैया, ये CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये कौन है, C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर? तो ये क्या है भैया, 2 कार्बन के लिए क्या लिख दो, इथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, पर सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं ई हटा के क्या लगा दूंगा, Y एल, इथिनाइल। ये भी क्या है, इथिनाइल, ये भी क्या है, इथिनाइल। कौन से कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर, क्या लिखेंगे, 3,3- डाई, क्या, इथिनाइल। मेन चेन कितने कार्बन की, 5, क्या लिखेंगे, पेंट, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा, पेंटा। कहां कहां पर है डबल बॉन्ड, 1 पर और 4 पर, पेंटा 1,4-डाई इन। नोट कीजिए, नोट कीजिए, है ना? बड़े, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुंदर सा, कौन सा ले, नंबरिंग किधर से करें, इधर से ही करें, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, आपके मन में ये आ रहा होगा, सर ने इधर से क्यों स्टार्ट नहीं करी, इधर भी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, इधर भी फर्स्ट पे ही पड़ेगा। जब दोनों तरफ से फर्स्ट पे डबल बॉन्ड मिले, टाई हो जाए, तो अपन सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड की पोजीशन देखते हैं। इधर से 1 2 3, 3 पर क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। इधर से 1 2 3, 3 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट से पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को, इसलिए हमने नंबरिंग किधर से की है, इधर से की है। ठीक, यही हमारा सही तरीका है, ठीक है ना, समझ में आ रही? करें नामेनक्लेचर। अच्छा, ये क्या है, मेन चेन से सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या है ये, इथाई इन, इथाइन है, 2 कार्बन है, इथ, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, ई हटा के क्या लगा दूं, सब्स्टिट्यूएंट है तो इथिनाइल। ठीक, इधर आओ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन से जुड़े कार्बन को क्या देंगे, पहला कार्बन, मेन चेन से जुड़े कार्बन को नंबरिंग देंगे, ये 1' और ये क्या हो गया, 2'। इस ब्रांच के लिए ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, क्या, मिथाइल। तो ये क्या हो गया, इसका नाम 1' पर क्या, मिथाइल, 1' मिथाइल, 2 कार्बन, क्या लिखूं, इथ, डबल बॉन्ड है, क्या लिखूं, इन, और ये भी क्या है, इस मेन चेन के लिए 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, इथी, डबल बॉन्ड है, इन, ई हटा के क्या लगा दूं, इथिनाइल। समझ में आई कि नहीं बात? और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये फर्स्ट लेटर इंक्लूड करेंगे, और यहाँ ई, ई पहले आएगा, के एम, ई पहले आएगा, तो क्या लिखे पहले, इथिनाइल, 5 पे क्या है, इथाइनाइल, 5 इथाइनाइल, फिर 4th कार्बन पे क्या कहानी है, 1'
मिथाइल, आप वन डैश टू डैश न लिखना चाहो तो वन टू भी लिख सकते हो, वन डैश मिथाइल इथिनाइल, ठीक है। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, सेवन, तो क्या लिखेंगे, हेप्ट, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो ए लगाएंगे, कहां कहां पर है, वन पर है, थ्री पर है और सिक्स पर है, तो वन थ्री सिक्स, वन कामा थ्री कामा सिक्स, हेप्टा वन थ्री सिक्स, एक जैसे तीन है, ट्राई क्या इन, क्लियर, एग्जैक्ट राइट नेम नोट कीजिए, क्लियर बड़े। ये आपका एल्किन और एल्काइन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लो एल्केन समझेंगे, आईयूपीएसी नामेनक्लेचर साइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और जाते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बार बार ये क्या आ जाता है, क्या कहना चाह रहा हूँ, धन्यवाद जो आपने इतनी देर तक मुझे सुना, मुझे समझा, थैंक यू वेरी मच।